आज मैं आपको बर्नेट मशीन की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ये मशीन में कैप दिया हुआ है, इस कैप को इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद ये थ्रेड को ए लॉक में फंसाना है। ए लॉक में फंसाने के बाद यहाँ से वो एक बार टर्न लेना है, टर्न लेके यहाँ पे बॉबिन लगाना है। जितने नीचे तक बॉबिन जाएगी उतने नीचे तक प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमें एक दो क्लॉकवाइज हमें एक दो बार राउंड घुमाना है, फिर इसको इस तरफ स्लाइड करना है। ये स्लाइड कर चुकी हूँ, अभी स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए अभी हमारा बॉबिन ऐसे बनेगी। हमें जितना बॉबिन बनना है उतना भर सकते हैं, फिर हम स्टॉप कर देंगे। फिर इसे निकालने के लिए इसको फिर से राइट में शिफ्ट करना है, फिर इसे निकाल लेंगे। फिर इस लॉक में इसे इस तरीके से लगाना है, फिर यहाँ से सीधा नीचे आना है। नीचे आके यू टर्न लेना है, यू टर्न लेके साइड में आपको व्हील दिया है, ये व्हील को घुमाने से ये ऊपर आ जाएगा। फिर इसको इस तरीके से नीचे लेना है, नीचे लेके मिडल के ऊपर एक लॉक दिया है। लेफ्ट हैंड से थ्रेड पकड़ना है और राइट हैंड से आपको इसके अंदर इस तरीके से डालना है, ठीक है। और सुई में धागा सामने से जाएगा ऐसे, ये आपका थ्रेडिंग हो गया। अभी बॉबिन केस कैसे लगाते हैं यहाँ पर देखिए, ये ढक्कन खोल दिया, ये बॉबिन केस है। सबसे पहले हमको ये बॉबिन इस तरह पकड़ना है, इसमें डाल के ऐसे करके इसके अंदर आना चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इस लॉक में इसे प्रेस करना है। फिर ये ढक्कन लगा देंगे, ये धागे को हाथ में पकड़ के व्हील घुमाएंगे, नीचे का थ्रेड ऊपर आ गया। अभी हमारी मशीन स्टिच करने के लिए तैयार है, सो निकालना है। अभी सबसे पहले हमको सादी सिलाई कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल स्टिच, यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन सिलेक्टर है, इसे एरो के सामने हमें स्टिच लाना है। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए इस एरो के सामने सेलेक्ट करना है। ये स्टिच लेंथ है, जैसे आपको बारीक सिलाई चाहिए नंबर टू पे सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखो मैं स्टिच करती हूँ, जैसे नंबर थ्री चाहिए एरो के सामने सेलेक्ट करना है। जैसे आपको सिलाई लंबी छोटी करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा स्टिच बनकर रेडी है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच आया हुआ है। ये डिज़ाइन सिलेक्टर है, ये स्टिच सिलेक्टर है। ये डिज़ाइन के लिए एरो दिया है, दोनों तरफ एरो दिया है। जो स्टिच चाहिए एरो के सामने लाना है। जैसे अभी मुझे कोई डिज़ाइन चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट करूँगी एरो के सामने। और स्टिच लेंथ एक और ज़ीरो के बीच में रखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तक रख सकते हो लेंथ नॉक। और अभी मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, अब मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। अभी मैं सेकंड डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही हूँ, एरो के सामने लाना है। इसी तरह आपको जो जो डिज़ाइन चाहिए आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे और एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ।
हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कितने फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन आया हुआ है। अटैच करना है और हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 बटन होल के स्टिचेस दिए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से इसे नंबर दिया गया है। ये 4 स्टेप में बटन होल होता है। 4 स्टेप में कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें 1 नंबर पे सिलेक्ट करना है और स्टिच लेंथ 1 और 0 के बीच में रखना है। 1 नंबर पे हमें थोड़ा सा स्टिच करना है, ज़्यादा नहीं, बस। अभी नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टिच करेंगे। आपको जो साइज़ का बटन होल चाहिए, यहाँ पे मार्किंग दिया गया है, उसी साइज़ का आप बटन होल कर सकते हो। अभी नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्टिच करेंगे, फिर नंबर 4, फिर स्टिच करेंगे। हमारा बटन होल बनकर रेडी है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए हमारा बटन होल कितने अच्छे तरीके से बटन, ये फुट लगाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए फुट कैसे लगाते हैं। इसको सेंटर में लाना है और प्रेशर को नीचे करना है। ये हमारा फुट लग चुका है। अब मैं बटन के लिए कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे जो आपको ज़िगज़ैग दिख रही है, ये स्टिच विड्थ है। जो साइज़ की बटन रहेगी उसके हिसाब से हमको ये विड्थ सेलेक्ट करना रहेगा। और ये लेंथ हमें हमेशा 0 पे रखना रहेगा। अगर आप 0 पे नहीं रखोगे तो आपका कपड़ा आगे जाएगा, बटन टूटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए इसे आपको 0 पे रखना है। अभी मैं आपको बटन लगा के दिखा रही हूँ। ये बटन हमें इस तरीके से रखना है और प्रेशर नीचे करना है और हाथ से एक बार चेक कर लेना है कि हमारा निडल बटन में बरोबर निडल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार चेक करने के बाद ही हमें मशीन स्टार्ट करना है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये सेकेंड साइड में फिर से लगाएंगे, थोड़ा सा कपड़े को पीछे लेंगे, फिर हम इसमें भी हाथ से चेक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बटन लगकर रेडी है। देखिए बटन कितने अच्छे से लग चुका है। पीको कैसे करते हैं, पीको मतलब बीडिंग भी बोलते हैं और पीको भी बोलते हैं। ये देखो, पहले मैं ये फुट यहाँ पे अटैच करूँगी। और ये वाले थ्रेड को इसके बीच में से पीछे लूँगी। सबसे पहले हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ज़िगज़ैग, ये वाले ज़िगज़ैग सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे स्टिच लेंथ आपको रखना है 1 नंबर पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 नंबर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे 2 धागे होते हैं इसको पहले बाहर निकाल लेना है और इसको निडल के नीचे तक रखना है। निडल के नीचे तक रखने के बाद हमें इसे हाथ से 1-2 बार चला लेना है। फिर ये धागे को हमें बाहर खींचना है। फिर ये 2 धागे और ये 2 धागे, ये एक साथ में पकड़ना है। और अब हम इसे फुट के नीचे रखते हैं और पीछे से धागे को खींचना रहेगा। कभी भी बीडिंग करते वक्त पीछे से हमें कपड़ा धागा दोनों को खींचना है और आगे से खींचना नहीं है। और आगे से हमें
इस तरीके से पकड़कर रखना है, फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से पकड़कर रखना है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, कपड़ा ऑटोमेटिकली मुड़ गया है और धीरे 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 पीछे से खींचना है। देखिए हमारा पिको कितने अच्छे से और कितने फिनिशिंग में राउंड आया हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।